कोई हमें दुख दे तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, उसी तरह से हम किसी को दुख दे तो उसे कैसे पसंद आएगा। तो ह्यूमैनिटी, मानवता उसे कहा जाता है कि हम, हमें जो पसंद नहीं है वो हम किसी और को नहीं दे सकते हैं, हमें जो पसंद है वही हम और को दे सकते हैं, इसका नाम ह्यूमैनिटी, मानवता है। तो देखिए, हम किसी से कुछ, किसी से छीन ले तो उसे कितना दुख होगा। वो कब पता चलता है, जब हमारे से कोई छीन लेता है हमारी अच्छी प्यारी चीज़, तब पता चलता है क्या कैसा होता है। तो यह अनुभव हमें हमेशा जागृति में रखने की ज़रूरत है। उस समय लगता है और फिर बाद में भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हमेशा हमारे दिमाग में तो रहना ही चाहिए कि जब हमको ऐसा, हमारा समय आया था तो हमें कितना दुख हुआ था, ऐसा सामने वाले को भी अभी ऐसा ही हो रहा होगा, तो हम किस तरह से ऐसा उसको दुख दे सकें। कोई हमें जान से मारने को आए तो हमें कितना दुख होता है, तो हम किसी को किस तरह से मार सकते हैं। छोटे में छोटी चींटी को भी नहीं मार सकते, क्योंकि उसको भी तो जीने का अधिकार है। इसीलिए हमारे तमाम धर्म में कहा है कि आप मांस मच्छी मत खाओ, क्योंकि उसके अंदर भगवान है, बहुत पाप लगता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है तो खाते रहते, चलते रहता है, चलते रहता है। लेकिन जब अवेयरनेस आती है तब लगता है कि इन सबको भी तो हम दुख देते हैं, इन सबको भी तो हम हिंसा करते हैं, हमारी वजह से तो उसको मरना पड़ता है, हमको कोई मारने आया तो हम कैसा फील करेंगे। इस समझदारी में रहना चाहिए और हमेशा ये समझ साथ में रखना चाहिए। किसी को दुख हुआ तो हमें पश्चाताप होना चाहिए। करते करते आप आगे बढ़ते जाओगे। जीवन में शांति तभी मिलती है जब हमसे किसी को दुख ना हो। हम दुख देंगे तो हमको दुख अवश्य मिलेगा ही। कर्म का सिद्धांत ही ऐसा कहता है कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, यही कर्म का सिद्धांत है। जैसा एक्शन किया तो वैसा ही रिएक्शन आता है। बॉल फेंकते हैं तो रिबाउंस होता है, वापस आता है। ये स्थूल में है, लेकिन हमारे मन से भी हम किसी के लिए बुरा सोचे तो वाइब्रेशंस, बुराई के वाइब्रेशंस उसको पहुंचते हैं। हम मन में क्यों ना सोचे, लेकिन उसके अंदर भी भगवान बैठे हुए हो तो तुरंत ही रिसीव कर लेते हैं। तो रिसीव हो जाता है तो उसको भी हमारे प्रति अनजाने में ही अभाव होने लगता है, हमसे भी उसको तिरस्कार होने लगता है। कुछ बाहर तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अंदर से ही शुरू होता है। फिर हमको प्रश्न होता है कि अरे, हमने तो कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, फिर भी इसके साथ क्यों ऐसा हमको फीलिंग हो रहा है। तो ये सूक्ष्म में होता है जो हम नोटिस नहीं करते हैं। जितना नोटिस करेंगे ना तो सब पता चलती जाएगा कि अंदर क्या चलता है। हमारी दृष्टि अंदर नहीं रहती, बाहर ही रहती, बाहर में ही बाहर रहते, अपने आप को नहीं देखते हैं, खुद को कुछ समझ में नहीं आता इसलिए।